सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं नाइट्रोजन और आज मैं कह रखने वीडियो लेके, और आज के इस वाली वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं पबजी टीमी वर्जन को लेके। मेरे को 3 पॉइंट क्लियर करना है इस वीडियो के, सो मैं जल्दी से क्लियर कर दूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनेगी, सो 3 पॉइंट ही क्लियर करना है, उसको ही क्लियर कर देता हूँ, इसके बाद वीडियो भी एंड हो जाएगा, जिससे आपको भी सब समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सो देखो, मेरे को पता है आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि भाई पबजी टीमी का क्या हुआ। सो उसके बारे में आज मैं बस इसी वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको सब पता चल जाए और आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो 3 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट वाली पॉइंट जो है ना, कि पबजी टीमी का जो हमने पिटीशन साइन किया उसका हुआ क्या, पबजी टीमी का हुआ क्या। सो देखो, हमने पिटीशन साइन किया था तो मैं क्यों नहीं जवाब दे रहा था, मैं बोल रहा था ना अभी तक नो रिस्पॉन्स, क्योंकि उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया अभी तक। अगर रिस्पॉन्स देंगे तब जाके ना मैं कुछ बोल सकता हूँ। हमने हमारे तरफ से जो भी कोशिश करना था हमने कर लिया। जो हमारा चेंज जो आरजी का था उस पर हमारा एम था 25K पिटीशन साइनअप्स, और अभी उस पर हुआ है 19.4K या फिर 19.5K पिटीशन साइनअप्स हुए हैं। और हमारा जो ट्विटर का था जो हमने खुद किया था उस पर अभी 1.4K रिट्वीट है शायद। सो उतना तो है अभी, अगर रिप्लाई आएगा तभी जाके हम कुछ कह सकते हैं, और इन फ्यूचर रिप्लाई आएगा, क्योंकि इतने कम रिट्वीट्स और साइनअप्स भी उसका कंप्लीट नहीं हुआ चेंज ओआरजी का। सो कोई रिस्पॉन्स अभी तक आएगा नहीं, जब तक 25 चेंज ओआरजी पे 25K पिटीशन साइनअप नहीं होता तब तक उसका फुलफिल नहीं होगा, उसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होगा, तब तक उस पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और हमारा ट्विटर का जो ट्वीट था वो अभी तक उनके सामने पहुँचा ही नहीं, क्योंकि उस पर रिट्वीट का जो परसेंटेज है ना बहुत कम है, इसलिए उनके सामने पहुँचा ही नहीं। तो वो लोग जब रिप्लाई करेंगे, आप भी हमेशा चेक कर सकते हो कि हमारा जो ट्वीट था उस पर कोई रिप्लाई आया कि नहीं, आप भी चेकआउट कर सकते हो। अगर टीमी स्टूडियो रिप्लाई देंगे तो आपको भी दिख जाएगा। सो आप भी ट्राई कर सकते हो, तो जब रिप्लाई आएगा तभी मैं उसके बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं बता सकता। पिटीशन पे कोई रिप्लाई भी नहीं आया उनका, बस हम अपना काम कर रहे हैं। जब तक रिप्लाई नहीं आता हम अपना काम करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। सो सेकंड पॉइंट है, आप लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि तुमने क्या बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट किया। सो मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हाँ मैंने सबके साथ कॉन्टैक्ट किया, सभी ने इग्नोर किया, साफ सीधी सी बात, मैंने सबके साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश किया, सभी ने इग्नोर किया। और कुछ कुछ लोगों ने रिप्लाई भी दिया, जिनका 1 मिलियन सब से 2 मिलियन सब से, उन लोगों ने रिप्लाई भी दिया। और रिप्लाई में मेरे को जो सुनने को मिला ना उसके बाद तो क्या बोलूँ। तो मैं मैं उनका जो भी रिप्लाई था वो मैं दिखाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो हेट फैलाएगी और मैं कभी हेट कॉन्ट्रोवर्सी इन सारे चीज़ों पर मैं पढ़ना नहीं चाहता। बस मैंने आप लोगों ने बोला था इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट किया था, बस उतना ही। उन लोगों ने रिस्पॉन्स पे कुछ हमारा सपोर्ट में नहीं थे वो लोग, तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो मैंने बोला ठीक है भाई चलो कोई नहीं। तो मैं इसलिए बता दिया कि मैंने हाँ सबके साथ कॉन्टैक्ट किया, और सभी ने रिप्लाई भी कुछ कुछ लोगों ने रिप्लाई दिया था। सो रिप्लाई पे बस उतना ही, अनसपोर्टेड हमारे साइड में कोई नहीं था, सो मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं और उतना ही। आप समझ गए, बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ भी मैंने कॉन्टैक्ट किया पर वो लोग हमारे सपोर्ट पर नहीं है, क्योंकि उनके पास भी अभी जिम्मेदारियाँ बहुत सारे हैं। आप समझ सकते हो, इतना बड़ा जो उनका फैमिली है तो उनको भी संभालना है, तो इसके लिए हमारे लिए टाइम नहीं है अभी। सो ज़्यादा कुछ नहीं, उतना ही। और थर्ड पॉइंट है, मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोज़ बना रहे हैं कि पबजी टीम इज़ वर्किंग इन 2020, ये सारे टाइटल्स देखे, पबजी टीम गेम प्ले इन 2020, ये सारे टाइटल्स देखे। मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। जब मैंने फर्स्ट वाली वीडियो डाला था ना, पबजी टीम मतलब कैसे बैन हुआ था, तो उसके बारे में जैसे ही मैंने वीडियो डाला था तो उसके बाद बहुत सारे ये सब स्टार्ट हो गए। सो बहुत सारे मिल जाएंगे अभी आपको यूट्यूब पे, और मैंने देखा और सभी ने ही बस एक ही बात बोला है, जो मैंने बोला है सभी ने वही बोला है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ मेरे भाई कुछ हैं जो मेरे सपोर्टर्स आप में से ही हो, उन्होंने भी मेरे को बहुत सारे लिंक्स भेजे। जैसे कि आज सुबह भी मेरे को एक भाई ने कल रात को बताया था, भाई तुम्हारा ये वीडियो एक बंदे ने पूरा कॉपी किया है। तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, तो मैंने बोला किसने किया है, तो उन्होंने जाके इंस्टा पे, इतना मेहनत करके इंस्टा पे जाके उन्होंने मेरे को उसका लिंक भेजा उस वीडियो का, और मैंने जाके ठीक चेकआउट किया। हाँ पूरा कॉपी था, बस वॉइस ओवर उन्होंने किया था, गेम प्लेस मैंने जो विजुअल जो भी विजन दिखाया था सब कॉपी था, बस उन्होंने वॉइस ओवर किया था। तो स्ट्राइक में दे सकता था पर मैंने दिया नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो एक जो भी यूट्यूबर होता है, जो भी कंटेंट क्रिएटर होता है, सो उसको कितना मेहनत करना पड़ता है कंटेंट ढूंढने के लिए और कंटेंट को बनाने के लिए, उसको कितना मेहनत करना पड़ता है। तो मैंने बस उनको स्ट्राइक नहीं मारा, मैं स्ट्राइक मार सकता था पर मैंने नहीं मारा, क्योंकि मेरे को पता है उनका चैनल का ख़राब होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा उनको। तो मैंने बस उनको एक बस कमेंट करके बताया कि भाई आपने पूरा कॉपी किया है, हाँ मैंने जो बोला वो आप यूज़ कर सकते हो, पर मैंने जो विजुअली दिखाया है उसको आप कैसे ले सकते हो। सो मैंने बोला भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, आप पहले मेरे से एक बार पूछ तो लेते कि भाई मैं आपका वीडियो यूज़ कर सकता हूँ क्या, तो
एक बार तो पूछ लेते हैं, दिल मेरे को दिल से अच्छा लगता है यार अब जब करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत मेरे भाई बहुत सारे भाइयों ने पूछा था, तो मैंने बोला था हाँ भाई बनाओ, हमें इसके बारे में स्प्रेड करना है तो हमें सपोर्ट भी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को पूछा, तब जाके मैंने उनको बोला हाँ, मैंने को किसी को नहीं मना मैंने किसी को नहीं किया, सबको बोला हाँ बनाओ। पर एक चीज़ तो भाई, उन्होंने जो भी जिन्होंने पूछा था उनका कंटेंट था, बस मेरा टॉपिक जो था ना वो मेरा था, पर सारे जो भी उन लोगों ने सारे उन्होंने किया था और टॉपिक बस मेरा था और कोई चीज़ नहीं। तो उनका पूरा सही है, जेन्युइन है उनका कंटेंट, क्योंकि उन्होंने ठीक से बनाया। पर कुछ कुछ है जो गलत भी बोल रहे कि ये मेरा विजुअलिटी दिखा रहे और ये सब, तो मेरे को बुरा लगा, दिल से ख़राब लगा। सो नहीं, अगर आपको किसी भी वीडियो गेम प्ले या फिर कुछ भी दिखता है जो पबजी टीम इज़ वर्किंग, हाउ टू डाउनलोड पबजी टीम 2020, सो मैं बोलूँगा कि आप उन सारे चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि अगर टीमी वर्जन आएगा तो ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा और मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। जितना आपको दुख है पबजी टीमी ना आने का, मेरे को उससे भी ज़्यादा दुख है, तो इसीलिए अवॉइड कीजिए। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो मैं बताऊँगा, और अभी के लिए मैंने इस जो ये टॉपिक है उसको रखा है स्टॉप पे रखा है कि अभी थोड़ा रुक जाओ, देखते हैं अगर रिस्पॉन्स आता है तो फिर से वीडियो बनाएंगे। अगर एक भी रिस्पॉन्स आता है तो बहुत खुशी मिलेगी मेरे को, पर अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, बस मैं अवॉइड कर रहा हूँ उनका रिस्पॉन्स का। और मैं बस अवेयरनेस इतना फैलाना चाहूँगा कि अगर आपको यूट्यूब पे कोई भी वीडियो दिखता है कि पबजी टीम इज़ वर्किंग इन 2020, हाउ टू डाउनलोड पबजी टीम इन 2020, तो फालतू में ये सब चीज़ों के पीछे मत जाओ। कुछ कुछ लोग हैं जो व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्लिक बिट्स वगैरह, तो मैंने देखा कमेंट सेक्शन पे डिसेबल है लाइक्स एंड डिसलाइक का रेशियो भी डिसेबल है, और कमेंट्स भी बहुत गंदे आते हैं उनको, तो मैं उनके लिए भी मेरे को बुरा लगता है, क्योंकि सबको पता है पबजी टीम इज़ नॉट वर्किंग। तो इसीलिए बस आप लोगों को मैं बोलूँगा कि फालतू में किसी की बातों पे आके डाउनलोड मत कर लेना पबजी टीम वर्जन को, फिर चलेगा नहीं, फिर आपका डाटा भी वेस्ट होगा। मैं हमेशा ऐसा ही बोलता हूँ कि मत करो ऐसा, अगर कुछ भी होता तो मेरे को पहले पूछ लेना कि ये ठीक है कि नहीं, तो मैं बता दूंगा, पहले मैं ट्राई करूंगा इसके बाद आपको बताऊंगा। और मैंने ट्राई किया, इसके बाद ही बोल रहा हूँ कि वर्क नहीं कर रहा, अगर करता तो मैं सबसे ज़्यादा खुश में होता। सो इसीलिए दूसरों के बातों में मत आना, और अगर ऐसा वीडियो भी दिखता है तो स्किप कर देना, देखना मत, क्योंकि फालतू में आप उनके झांसे पे आ जाओगे और डाउनलोड कर लोगे, मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। सो तीन पॉइंट है जो मैंने क्लियर कर दिया। सो ये हमें करना क्या है, बस हमें अवॉइड करना है कि हमें अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है टीमी स्टूडियो की तरफ से तब हम कुछ बोल सकते हैं। सो इसीलिए मैं अभी बात नहीं कर रहा इस टॉपिक पर, क्योंकि मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और इसको जितना खींचेंगे उतना ज़्यादा खींचेगा, तो मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा। और जो लोग ऐसे कर रहे हो ब्रो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लोगों को दूसरों का नुकसान मत करो, कम से कम दूसरों का नुकसान मत करो, उनको क्या फ़ायदा होगा, दो तीन व्यूज़ के लिए उनका नुकसान करा के क्या फ़ायदा होगा बताओ मेरे को। सो बस उतना मत करो यार, पबजी टीमी काम नहीं कर रहा आपको पता भी है, तो आप फेक न्यूज़ क्यों फैला रहे हो, तो ऐसा मत करो, दूसरों का नुकसान मत करो। सो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।